Surat's textile market remained closed on Tuesday on the first day of the three-day nationwide strike imposed in opposition to the goods and services tax. These traders are demanding tax exemption for man-made fibers under the GST. Meanwhile, some textile traders performed yagna to showcase their agitation against the government. पूर्ण भारत के व्यापारी वर्ग को नाराज है। उसकी मुख्य वजह है कि आज दिन तक जो भी हमारे से टैक्स जो लिया जाता था वो यान पे लिया जाता था और बाकी घटकों को रोजगार के हिसाब से सरकार हमेशा प्रोत्साहित करती रही है और वो फ्री रह करके और आगे बढ़े हैं। इस बार सरकार ने जो जिस तरीके से सारे घटकों को अपने मकड़ जाल के अंदर टैक्स के दायरे में लिया है तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो जीएसटी आप लेके आइए, हमारा कोई विरोध नहीं है, हम आपके साथ है, परंतु इस जीएसटी में इतना सरलीकरण होना चाहिए कि वन टाइम यान पे आप इस जीएसटी को लगा दीजिए। जो आपकी 18% की रेट है वो हमारा कपड़ा उद्योग देने को तैयार है, बाकी घटक को आप इसमें से फ्री रखिए। सरकार को सद्बुद्धि है तो सरकार का दिमाग सही ढंग से चले, उसलिए भगवान से और अम्बे माता से प्रार्थना कर रहे हैं और हवन करके हमको जता रहे हैं कि आपको सद्बुद्धि आवे और जीएसटी जैसा जो काला कानून इंस्पेक्टर राज के लिए जो सूरत के व्यापारी को परेशान करने जाने वाला जो कानून लग रहा है वो कानून जल्दी से जल्दी हटे। The long-awaited GST, which comes into effect on July 1, has been hailed as India's biggest tax overhaul since independence. Through this step, the government aims to bring down tax leakages in the complex tax system.